जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर छोड़ा नहीं जाता। कुछ समय पहले पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे बिजली के, उन्होंने सारी बातें ऐसे बताई कि पूरा राजस्थान आप लोगों ने बसाया। तुम तो जब से बैठे हो 7 महीने से, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम क्या करोगे बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? एक बार ये, एक बार तुम क्यों आते हो? तुम दोनों ही गड़बड़ हो। 8 महीने में सूरजगढ़ विधानसभा में एक भी ट्यूबवेल नहीं खुदा और वे भाषण दे रहे थे, सारा पानी पानी कर दिया। अरे बाबा, कोठारी जी मरे तो नहीं ना, जिंदे है ना, ले गया हो ना, ले गया हो ना, पर तुम्हारी पैसे के लेन देन में बिगड़ी हुई उसे। अगर पूरे राजस्थान की समस्या है उसका निवारण नहीं कर सकते, मंत्री जवाब नहीं दे सकते, किस बात का राज कर रहे हो आप? ये मोटर गाड़ियों के लिए करो, आपके दिमाग नहीं, आपके दिमाग नहीं है। शीशे का जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर छोड़ा नहीं जाता। माने सभापति महोदय, कुछ समय पहले पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे बिजली के, उन्होंने सारी बातें ऐसे बताई कि पूरा राजस्थान आप लोगों ने बसाया और जो सुविधा दे रहे हो वो भी आप ही दे रहे हो। आप देखिए, कोई महिला का घरवाला एक्सपायर हो जाता है और वो विधवा हो जाती है और सारा काम ये करने लग जाए, विधवा हो गई, विधवा तो मर जाएगी। तुम तो जब से बैठे हो 7 महीने से, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम क्या करोगे बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? देखिए आप, जो व्यक्ति दूसरों पे अंगुली उठानी शुरू कर देता है उसी अंगुली अपने आप ही कट जाती है। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, मेरा बहुत लंबा अनुभव 44 साल का, अगर आप ऐसे करते रह जाओगे तुम भले ट्रेन निकल जाएगी। एक बार ये, एक बार तुम क्यों आते हो? तुम दोनों ही गड़बड़ हो। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जिसकी बीबी भाग जाए और आया और रात ले जाए वो अपने आप को निकल मौसम ले रहा थे। आप देखिए, आप जब से आए हो तुमसे यही बातें करते हो। मैं कह रहा हूं क्या हो गया, क्या कह दिया? और बोलो क्या कह दिया? अगर आपको बुरा लगे ठाड़ कर दे। आप देखिए, जो व्यक्ति दूसरों पे थोपता है कि तुमने काम नहीं किया, मैं कह रहा हूं तुम्हें मौका मिला हुआ है ना, आप करिए ना, हम मना थोड़ी करेंगे। मंत्री जी कह रहे, पीएचडी मंत्री जी, कि ये गड़बड़ हुई, जांच करवाइए, आपके हाथ में कलम है और जांच करवा के जो दोषी ही उनको जेल में भेजिए। कौन मना करता है? और मना करेगा तो हम उसको कहेंगे कि तुम इसके साथी हो। बिजली मंत्री जी भी ये कह रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है, मैं कह रहा हूं बुरा हो रहा है ना, सारा सिस्टम कलेप्स हो रहा है और जितने ठेकेदारी प्रथा जब तक देश में रहेगी ऐसे होता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कमजोर होता है वो ऐसे ही करता है ना। आप देखिए, आपको मौका मिला हुआ है, आप बड़े आराम से तसली से, अधिकारी आपके मानते हैं, हाथ कलम आपकी है, मंत्र और तंत्र दोनों आप मौजूद हो, मंत्र अगर मंत्र मारेगा तो तंत्र अपने आप फड़फड़ाएगा। आप सही करिए, हम आपके साथ हैं, पर आप ये मत करिए काम करने के टाइम में। आज पूरे 7 महीने हो चुके, आपको 3 तारीख को 7 महीने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 महीने में सूरजगढ़ विधानसभा में एक भी ट्यूबवेल नहीं खुदा और वे भाषण दे रहे थे, सारा पानी पानी कर दिया। अरे बाबा, झूठ के पुलिंदे भी अच्छे होते। आपने बिजली का काम एक किया नहीं, ऐसे लग रहा है कि सारा बिजली में हो गया है, बिजली का काम भी नहीं हुआ है। अब की बार राजस्थान में टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर 40 हो 45 हो, ये राजस्थान पहले तो पसा नहीं था, आज भी पसा नहीं, पहले का बोल लंबा है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता कभी घट जाता है। बिजली आपने दी नहीं, अब की बार तो बिजली की तराई रही है। फिर उसके बाद में भी एक मेरा साथी कह रहा था, आपने 6 रुपये यूनिट खरीदा, भाई सुबह बाजार में जाते हैं सब्जी का भाव होता है 2 रुपया और शाम को होता है 4 रुपया, भाव बदलते रहते, आपको उसे क्या लेना है? सरकार पे जो बैठेगा
वो महंगी सस्ती नहीं देखा जनता उनके लिए। जब आप वोट लाने के लिए गए थे जिस झोंपड़ी में बाबा बैठा था, आपने कहा था बाबा वोट दे तेरे को लाइट देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, चिकित्सा देंगे, शिक्षा देंगे। आप कह के आए थे ना बाबा वही बैठा है, आपने एक बल भी आज तक सासा नहीं। बातें करे मेहरबानी करके लंबाई बहुत ज्यादा दे दी, दिमाग नहीं दिया बैठ जाए, लंबाई खूब दी दिमाग नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति काम करेगा उसको कोई मना नहीं करेगा। अभी हमारा साथी कह रहा है, अभी हमारा मंत्री पूर्व मंत्री कह रहा था कोठारी साहब के आने के बाद बिजली में बहुत ज्यादा सुधार हुआ, कौन मना कर रहा है? अब बाबा फिर हिंदुस्तान आप फिर हिंदुस्तान में बैठ जाओ, आप पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म की बातें करोगे बैठ जाओ। अभी कह रहे थे कोठारी साहब के आने के बाद बिजली में बहुत सुधार हुआ, कोठारी जी मरे तो नहीं ना, जिंदे है ना, ले गया हो ना, ले गया हो ना, पर तुम्हारी पैसे के लेन देन में बिगड़ी हुई उसे। आपने कहा कोठारी ज्यादा पैसे खा गए हमको कम दिया, इस मामले में आपने उसको निकाल दिया, उस समय में एमएलए था। आप देखिए बिजली की बात कर रहे हो, बिजली आपको अगर पैदा करने की बात करोगे तो पैदा करनी पड़ेगी, राज कर रहे हो, राज करेगा तो उसको जनता की सेवा तो करनी पड़ेगी। आपने भी कहा चुनाव में खूब झूठ बोले, झूठ बोलेंगे ना, पर झूठ बोलने के बाद में क्या मिल गया हमको? कुछ नहीं मिला ना। तुम क्या सोचते हो, तुम ही समझदार हो, तुम्हारा भी एक वोट पड़ता है, झोंपड़ी बैठा बाबा उसका भी एक वोट पड़ता है, और वो समझता है कि हमारे को झूठ बोल के गए तो इस वोड़े में बैठा देते हैं। क्या हो गया झूठ बोलने से, मिला कुछ? तुम बोल के देख लेना, तुम भी बोल के देख लेना, 22 आओगे और जो आज की स्थिति में आप चल रहे हो तो पंजाबी नहीं मंडेगा। काम करना सीख जाओ, काम करोगे जनता अपने आप देखेगी। अपना पूरे हिंदुस्तान में 3-3 बार एमपी में राज कर लिया, 35 साल ज्योति प्रसून कर लिया, काम करने से तो किया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी चर्चा मत किया करो, आप तो काम किया करो। आपने एक दिन में बता रहा हूं बिजली बोर्ड की हालत क्या है, आपका मंत्री जी बैठे थे, मैं भी बैठा था। मामला यह चला कि हॉस्टलों का चार्जेस घरों के बराबर लगेगा और मंत्री जी ने हाँ भर ली, क्यों मंत्री जी झूठ बोल रहा हूँ ना, और आपका एमडी बैठे थे और एमडी साहब ने टेलीफोन भी कर दिया कि विशाल जो भरी है उसको काट दीजिए दोबारा, वो एससी आज तक नहीं काटी। बोला कटने से क्या होता है, जब तुम्हारे ऑर्डर इस तरह के टाइम टाइम टिस हो जाते हैं उसके बाद कहाँ बचा है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ बचा है? अगर टेलीफोन हो जाए अधिकारी के पास आपका तो टेलीफोन के अंदर कपड़ा लाना चाहिए कि वो जड़ा हुआ जा रहा है, और जलता जलता जाएगा तो अधिकारी खड़ा हो जाएगा, सोच क्या आ गया। आपका टेलीफोन मानता नहीं, नीचे वाला कोई सुनता नहीं, कलेक्टर की बाबू नहीं मानता, बाबू की सिपाही नहीं मानता। ये मामला बहुत बड़ा गंभीर है, इस पर विचार करिए। राजस्थान की अनुशासन बहुत तगड़ा था, आप लोगों ने अनुशासन को जीरो कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें आप टेलीफोन में कहो और बात करो इम्प्लीमेंट होने से पहले विधानसभाओं में क्वेश्चन आ जाता था, मंत्री को रात को बुखार हो जाती थी, हमारा देखा हुआ काम है, आप भी हमारे साथ के हो। पहले विधानसभा में क्वेश्चन आता था तो मंत्री को रात को बुखार हो जाती थी कि यार सुबह पूछेंगे तो क्या होगा, पर होता कब था? अब पहले वाले अध्यक्ष ने किया या बड़े मुझे मालूम नहीं, एक क्वेश्चन उसी कॉन्स्टिट्यूशन का पूछेगा, दो क्वेश्चन में सारा खत्म हो जाएगा। ये हमने देखा हुआ, सारा सदन बोलता था और क्वेश्चन में मंत्री भी होश उड़ जाते थे। अब तो बढ़िया काम कर रहा है अध्यक्ष ने, आपको बसा रखा है, दो क्वेश्चन जोड़ाराम पोखराम मोलाराम तीन बोल के बैठ क्या है? अगर पूरे राजस्थान की समस्या है उसका निवारण नहीं कर सकते, मंत्री जवाब नहीं दे सकते, किस बात का राज कर रहे हो आप? ये मोटर गाड़ियों के लिए करो, आपका दिमाग नहीं है। ये कोई बचपन में गड़बड़ हुई है, कोई खास बात नहीं। मेरी विधानसभा में 2021 में इतने 2800 कनेक्शन हुए और आपने 2800 कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन वो सिस्टम में आपने कोई बदलाव नहीं किया। 2 से 2.5 मेगावाट उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, सारे अभी एक साथी बता रहा था सारे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। आप ये बताइए सिस्टम को बढ़ाते जा रहे हो और बिजली का उत्पादन कम करते जा रहे हो। सिस्टम को बढ़ाना है, कनेक्शन बढ़ाने तो सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, तार
ढीले पड़े हैं, एक्सीडेंट होकर मर जाता है, हड़ताल हो जाती है, 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। क्यों तुम्हारे जइए ने इनको दिखता नहीं है क्या तार ढीले पड़े हैं? जिनके पशु खेत में हड़ताल आते हैं उनके पशु के तार हट जाते हैं। मिनट हुई चार मिनट हुई, 3:45 में बोलने लगा था, अभी 5-7 मिनट और हैं। मेरे खड़े होते आप लोग क्या बुखार हो जाती है? माननीय सदस्य, आपने कोई 33 KV नए ट्रांसफर, 132 KV GHS कोई नए नहीं लगाए, और आपने कनेक्शन कह रहे हो कि हम 12,000 कनेक्शन और देंगे, जो लोग मना कौन कर रहा है? पर इसका जो सिस्टम उसको तो बढ़ाओगे आप, बगैर सिस्टम को बढ़ाए आप नहीं कर सकते कुछ भी। सेल्फ फाइनेंस कनेक्शन होता है, सेल्फ फाइनेंस कनेक्शन में आदमी 80,000, 90,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपये जमा करा के कनेक्शन ले लेता है। जब उसका ट्रांसफार्म चल जाता है तो बिजली बोर्ड का ये क्या कहता है, इसको तुम कहीं भी लेके जाओ हम आपका नहीं लेंगे। जब बिजली बोर्ड से हमारा कनेक्शन जुड़ गया, हम उसके कंज्यूमर बन गए, हम उसके कंज्यूमर बनने के बाद आप ये कैसे कह सकते हो ट्रांसफार्म को लोहारू लेके जाओ या हरियाणा भी लेके जाओ, बम्बई लेके जाओ? उसी कंपनी का माल है, उसी कंपनी में आपने हमने पैसा दिया है, आपको ठीक करना पड़ा, किसमें आप परिवर्तन करिए। एक कॉलोनियों में, एक बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, कॉलोनियों में आपने कॉमर्शियल चार्ज लगाते हो, और आप देखिए कॉमर्शियल चार्ज लगाने से लोगों ने मकान बनाना बंद कर दिया। आप इसके अंदर 50% सुधार करिए, जिससे लोगों को पैसा जमा करने में थोड़ा बहुत तो उनको राहत मिले। कुछ कॉलोनियां 50% बसी हुई, उसके अंदर भी आप यही कर रहे हो कि आपका प्लाट 500 आपका जमा खराब हो गया क्या? आदरणीय सभापति महोदय, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आदरणीय सभापति महोदय, मेरे बड़े भ्राता और मेरे गांव के श्रीमान सरवण जी के बाद में बोलने के लिए